कल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें सीएम धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा केंद्रीय नेता मौजूद रहेंगे। वहीं बैठक में उत्तराखंड से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर फैसले लिए जाएंगे। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में मंगलवार को शाम 8 बजे से एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश के राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में उत्तराखंड में आगामी दिनों के लिए कई कार्यक्रम तय किए जाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि ये बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पर होगी। बैठक में आगामी निकाय चुनाव के साथ साथ नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति पर चर्चा होगी। कल रात्रि 8 बजे हमारे उत्तराखंड के 8 सांसद, 5 लोकसभा, 3 राज्यसभा, इनकी बैठक हमारे जो उत्तराखंड से भारत सरकार मंत्री बने अजय टम्टा जी के आवास पर होगी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन दुष्यंत अपने बीएल संतोष जी उस बैठक में रहने वाले हैं, हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे, सह प्रभारी रेखा जी रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम सब लोग बैठेंगे। एक तो जीत का उत्सव है, उसके साथ साथ आगामी दिनों के जो हमारे कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को और व्यापक स्वरूप देने की दृष्टि से उस बैठक में हमारी पूरी चर्चा रहने वाली है। हमारे दोनों बाई इलेक्शन में सभी सांसदों के कार्यक्रम निश्चित करेंगे, साथ साथ नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में की दृष्टिकोण से कुछ चर्चाएं होंगी, उनके कार्यक्रम का स्वरूप तैयार होगा और भविष्य के क्योंकि दिसंबर में तक पंचायत चुनाव भी होने हैं, तो क्योंकि लोकसभा 17 है उससे पहले हमेशा हम लोग अपने सांसद साथ बैठते हैं, तो लोकसभा संबंधी विषय भी इस बैठक में रहेंगे और आज से लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सांसदों के सत्र प्रारंभ है। 27 तारीख को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, जिसमें दोनों सदनों पर महामहिम राष्ट्रपति जी सभी सांसदों को संबोधित करेंगे, उसमें हमारा भी रहना होगा। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।